हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन्स जो है आपका, वो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक पढ़ा था उसमें सब कैटेगरी थी फिनोथायाजीन्स। तो आज हम फिनोथायाजीन्स है उसका सार पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। इनमें जो भी ड्रग्स आती हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका IUPC नेम, उनका डिस्क्रिप्शन एंड यूजेस, मोड ऑफ एक्शन यूजेस हम आज ड्रग्स का देखेंगे फिनोथायाजीन कैटेगरी का। तो सबसे पहले तो सार की बात करते हैं, सार ऑफ फिनोथायाजीन्स। फिनोथायाजीन के सार में सबसे पहले हमने ये देखना है कि एक बेसिक स्केलेटन क्या होता है। फिनोथायाजीन्स का क्या है, बेसिक स्केलेटन या हम बेसिक रिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, ऊपर देखिए ये आपके थ्री रिंग्स हैं, तीनों अटैच्ड हैं, दो बंजी रिंग लगी है और बीच में आपकी क्या है, साइक्लिक रिंग बनी है, सिक्स मेंबर रिंग। उसमें ऊपर सल्फर है और नीचे नाइट्रोजन है। फिर आपका क्या हुआ, ये अल्काइल की साइड चेन है, प्रोपाइल साइड चेन है। इसके लास्ट पे क्या है, एन जुड़ा हुआ है और एन से दो अल्काइल ग्रुप्स ऐड है, मतलब R-R1 जो है आपका, R1-R2 ये कहाँ पे ऐड है, एन से जुड़े हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो इसके स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली रिंग है, तीन आपके रिंग है बेंजीन वाली, उस रिंग को आप क्या बोलोगे, फिनोथायाजीन रिंग बोला जाता है। ऊपर वाली जो तीनों रिंग है आपस में फ्यूज्ड हैं, इनको हम फिनोथायाजीन रिंग बोलते हैं। साइड में जो नीचे बना है, ये अल्काइल की साइड चेन है, अल्काइल साइड चेन है। बेसिकली अल्काइल्स में हम प्रोपाइल लेते हैं, प्रोपाइल की साइड चेन है आपकी। लास्ट में जब ये प्रोपाइल की साइड चेन ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे एन लगा हुआ है, मतलब टर्मिनल पे अमीन ग्रुप ऐड है आपका, और आपके एन से जो टर्मिनल पे अमीन है वहाँ से दो अल्काइल सब्सटीट्यूशन है, R1-R2 दो आपके एन से जुड़े हुए हैं। ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसके पॉइंट्स की बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर देखिए, बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो देखिए ऊपर वाली रिंग है फिनोथायाजीन रिंग है, और दूसरी आपकी प्रोपाइल की साइड चेन है। तो पहले तो हम प्रोपाइल की साइड चेन है उसकी बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रोपाइल जो होता है वो बेस्ट है, प्रोपाइल का ही हमें यूज़ करना है, प्रोपाइल ही साइड चेन में होगा तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी देगा। अगर मान लीजिए आप प्रोपाइल को हटा के ब्यूटाइल ले आते हैं तो कंपाउंड जो बनेगा वो इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। प्रोपाइल बेस्ट है, प्रोपाइल को हटा के अगर आप एक कार्बन और बढ़ा देंगे, ब्यूटाइल बना देंगे उसको, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, प्रोपाइल को हटा के इथाइल ले आते हैं, मतलब एक कार्बन आप कम कर देते हो, तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब कि हमें ऐसा बस प्रोपाइल ही का सब्सटीट्यूशन लग करना है अल्काइल साइड चेन पे, हमें क्या करना है, प्रोपाइल का ही वहाँ पे अटैच करना है। अगर मान लीजिए क्या हुआ, कंपाउंड जो है अगर उसमें हमने ज़बरदस्ती इथाइल की साइड चेन लगाई, तो आपका जो ड्रग है उसकी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी हो जाएगी। उसकी ड्रग की एक्टिविटी क्या थी, वो चेंज हो जाएगी। ड्रग की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए थी, ड्रग की एक्टिविटी एंटीसाइकोटिक होनी चाहिए थी, वो हटके हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करेगी वो ड्रग, अगर हम इथाइल सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, एक पॉइंट आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये कहा जा रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, साइड चेन जो है, यहीं की बात कर रहे हैं, अल्काइल साइड चेन में जो 1- है, जो 1- आपको दिख रहा होगा, अगर 1- पे कोई भी ग्रुप हम लेकर आते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आपकी ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में अल्काइल साइड चेन जो है वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1- पे अगर कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपकी क्या होगी, ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाती है फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अगर हम सेकंड पोजीशन जो है 2- जो है साइड चेन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 2- जो है वहाँ पे अगर हम मिथाइल ग्रुप को ले आते हैं, मीन्स CH3 ग्रुप को आप लेके जाओगे, तो एक्टिविटी आपकी ओके है, ड्रग की एक्टिविटी टॉलरेबल है। लेकिन अगर आप 2- पे बड़े बड़े एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशंस, बड़े बड़े ग्रुप्स लेकर आओगे बल्कि, तो वो टॉलरेबल नहीं है। दैट मीन्स आपको छोटे छोटे ग्रुप्स लेकर आने, मिथाइल छोटा ग्रुप होता है वो ले आओगे तो टॉलरेबल है, अगर आप बड़े बड़े एलिफैटिक ग्रुप्स लेकर आएंगे तो वो टॉलरेबल नहीं है, ड्रग की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी 2- की बात की। थर्ड पे थ्री, जो 3- है वहाँ पे क्या है, 3- पे आपके जितने भी बड़े बड़े या लार्ज सब्स्टिट्यूशंस हैं वो सब अलाउ हैं। थर्ड पोजीशन पे आप चाहे जितने बड़े ग्रुप्स लगाइए, चाहे जितने बड़े ग्रुप्स लगाइए, सब कुछ टॉलरेबल है 3- पे। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे एन है, एन से दो अल्काइल ग्रुप सब 3- से तो जुड़े हैं, तो बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे टॉलरेबल हैं। फर्स्ट पे 1- पे अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, 2- पे मिथाइल लाओगे तो ओके है, अगर बड़े ग्रुप लेकर आते हैं तो एक्टिविटी, तो मतलब आप टॉलरेबल नहीं है, एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। 3- जो है वहाँ पे आप कोई भी बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स ला सकते हो, सब कुछ टॉलरेबल है यहाँ पर।
ये हमने जो भी बात करी अभी तक, ये सब हमने प्रोपाइल जो साइड चेन थी उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं इसकी जो ऊपर वाली रिंग है, ये फिनोथायाजीन रिंग है, जो ट्राईसाइक्लिक न्यूक्लियस है वही जो फिनोथायाजीन रिंग है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तीन रिंग है, तीनों आपस में फ्यूज्ड है, बीच वाली में ऊपर सल्फर है, नीचे नाइट्रोजन है। अगर अगर क्या हुआ, बीच वाली जो रिंग है उसमें ऊपर वाला जो सल्फर है उसको हटा के हम कार्बन ले आएँ, ऑक्सीजन ले आएँ, सेलेनियम ले आएँ, तो ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सल्फर हटा के कार्बन, ऑक्सीजन, सेलेनियम आप कुछ भी लेके आओगे तो ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि जो नीचे वाला नाइट्रोजन था इसी रिंग में, जो नीचे नाइट्रोजन लगा है, अगर उसको आप रिप्लेस कर देते हो कुछ भी ले आओगे तो ड्रग की एक्टिविटी एलिमिनेट आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन हटा के अगर आप एलिमिनेट उसको कर देते हो कुछ और ग्रुप लेके आओगे तो आपकी ड्रग की एक्टिविटी क्या होगी, वो ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये आपका क्या था, सार था फिनोथायाजिन्स का। अब हम फिनोथायाजिन्स की ड्रग्स पढ़ेंगे। फिनोथायाजिन की ड्रग्स, पहली ड्रग आपकी है क्या, आपकी पहली ड्रग है क्लोरोप्रोमाजीन, क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लो, देखिए वही रिंग है आपकी, जो तीन रिंग्स होंगी फिनोथायाजिन रिंग वो बनानी है आपको। ऊपर वाले में आपने प्रोपाइल ग्रुप ऐड कर दिए, एंड से बस जो आर दो जुड़ेंगे, एक आर में आपने CH3 लगा दिया और एक आर में CH3, दोनों में CH3 ग्रुप ऐड कर दिया, और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है तो .H2HCl लगा दिया, .HCl। इसका जो नाम होता है एन डाईमिथाइल 3(2 क्लोरोफिनोथायाजीन 2YlYl प्रोपीन 1-amine हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका नाम है, IUPAC नेम है। ये जो ड्रग होती है इसकी सिंथेसिस देख लीजिए कैसे बनेगा। तो हमें दो चीज़ें लेनी है, सबसे पहले हम लेंगे 2-chlorophenothiazine। हमने 2-chlorophenothiazine मतलब यही जो फिनोथायाजीन रिंग थी वो ली, ऊपर हमने H लगा दिया, इधर CL लगा दिया, वो लगा ले लिया। दूसरा हमने लिया डाईथाइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, वही जो ऊपर वाला ग्रुप है वही हमने ले लिया, बस यहाँ पे CL लगा दिया, देख लीजिए पूरा का पूरा वही ग्रुप है, बस हमने CL लगा दिया इधर लेफ्ट साइड पे। इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा या रिफ्लेक्स होगा टॉलिन और सोडामाइड की प्रेजेंस में, तो सीधा सीधा क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो सीधी तरीके से यहीं पे रिफ्लेक्सेशन के बाद क्या होगा, वो बन जाएगा। ये जो दवा होती है क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करती है, कैसे शो करती है, ये जो दवा होगी डोपामाइन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मतलब जो नीचे वाली सिनेप्स होती है वहाँ पे डोपामाइन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देती है। कार्डियल या लिम्बिक जो एरिया होता है आपका ब्रेन का, जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी, वहाँ पे जाके क्या करती है, डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, जाके उन पे अटैक करेगी, जिससे क्या होगा, जो डोपामाइन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा था वो कम हो जाएगा, आप प्रिवेंट कह सकते हो, प्रिवेंट हो जाएगा। डोपामाइन रिसेप्टर्स पे गई, उस रिसेप्टर्स को जाके बाइंड ब्लॉक कर दिया, कहाँ पे, कार्डियल और लिम्बिक एरिया ऑफ द ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, अब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गए, तो आपका जो भी डोपामाइन का सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ गया था ब्रेन में, जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी आपको साइकोसिस, वो क्या होगी, आप प्रिवेंट हो जाएगी, डोपामाइन का सिक्रीशन कम हो गया और जो भी साइकोटिक इफेक्ट था वो जाके आपका कम हो जाएगा। चलिए एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा होता है कि ये जो दवा होती है डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, कहाँ पर, एक तो मैंने बोला कार्डिक और लिम्बिक एरिया में काम करती है, दूसरा हमने कहा कि ये जो दवा होती है आपकी क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड वो डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है कीमो ट्रिगर जोन्स में, सीटीजेड जोन जो ब्रेन में होते हैं वहाँ पे उनको जाके ब्लॉक करेगी, और ये जो जोन्स होते हैं बेसिकली वोमिटिंग नोजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो जोन्स जाके ब्लॉक हो गए, रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, तो जो भी नोजिया वोमिटिंग आपको हो रहा था वो क्योर हो जाएगी। एक आपका ये पॉइंट हो गया। फिर इनके आप यूज़ देख लीजिए, क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड वही एज एंटीसाइकोटिक यूज़ करते हैं, हेल्यूजन या डिल्यूजन केस में यूज़ किया जाएगा, मतलब भ्रम हो रहा है या आपको घबराहट चिंता हो रही है तो उस केस में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये हो गया क्लोरोप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है आपकी है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें देख लीजिए क्या हो रहा है इसके स्ट्रक्चर में। देखिए बेसिक मॉइटी वही है जो सब में रहती है, ऊपर भी आपकी जो क्या बोलते हैं प्रोपाइल ग्रुप्स है, प्रोपाइल ग्रुप इसमें भी सेम होगा, दो बस एन से आपके दो मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, तो इसका नाम होगा NN डाईमिथाइल 3 फेनाथायाजीन
10YL प्रोपेन व नमीन हाइड्रोक्लोराइडियस का नाम है। ये जो प्रोमाजीन होता है आपका, ये क्या होती है, प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड आपका पोस्ट सिनेप्स डोपामिन रिसेप्टार पर जाके काम करेगी। वो भी डोपामिन में बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं, तो D1 और D2 जो रिसेप्टार्स होते हैं आपके, उन पे बेसिकली काम करती है ये प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। कहाँ काम करेगी, जो D1 और D2 रिसेप्टार्स होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक के, वहाँ पे जाके उनको ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करेगी तो जो भी साइकोटिक इफेक्ट था अब वो जाके सीधी तरीके से कम हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इनका यूज़ क्या है, एज अ एंटी साइकोटिक, वही साइकोसिस में यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस ट्रीटमेंट ऑफ दी, वही आपका अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उस केस में भी इस को हम यूज़ करते हैं। एज अ एंटी इमेटिक, मतलब वोमिटिंग में भी इनको दी जाती है, वोमिटिंग को क्योर करने के लिए। तो ये हो गया प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़। इसके बाद आपकी नेक्स्ट ड्रग आती है थर्ड, ट्राईफ्लूपेराजीन हाइड्रोक्लोराइड। ट्राईफ्लूपेराजीन क्लोराइड, नाम से देखिए क्या लग रहा है, ट्राईफ्लू मतलब ट्राई मतलब तीन, फ्लू मतलब फ्लोरीन। इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं तीन फ्लोरो ग्रुप ऐड होंगे। तो स्ट्रक्चर देखो क्या है भाई, वही बेसिक मॉडिटी तो वही बनानी है। इधर हमने लेफ्ट साइड पर तीन फ्लोरिन ग्रुप ऐड कर दिए, प्रोपाइल नीचे से साइड चेन चलाई, और हमने नीचे क्या किया, एक आपका पाइपरिजीन की रिंग ऐड कर दी। ये जो रिंग है नीचे पाइपरिजीन की है, और इधर HCl3CH3 लगा दिया हमने। तो ये बन गया ट्राईफ्लूपेराजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसका नाम होता है 10(3A) मिथाइल पाइपरिजीन YL प्रोपाइल 2 ट्राईफ्लोरोमिथाइल फिनोथायाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका नाम है ट्राईफ्लूपेराजीन का। ये जो होती है आपकी दवा, ये सेंट्रली डोपामिन रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करती है, डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करेगी, उसको सेंट्रली ब्लॉक कर देती है, जिससे कि आपका जो डिल्यूजन था या जो हेलुसिनेशन था वो सब क्योर हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया था, एक्सेसिव सिक्रेशन हो गया था, तो अब वो कम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएंगी चीज़ें, प्रिवेंशन होगा, तब जाके आपका ये क्योर हो जाएगा। चलिए एक तो बात ये करी, दूसरा मैंने कहा कि ये जो दवा होती है ये, तो अच्छा ये जो ट्राईफ्लूपेराजीन है वो सेंट्रली काम करती है, जो मेन रिसेप्टर्स होते हैं वह वहीं पे जाके ब्लॉक करेगी। दूसरा हम कह रहे हैं कि ये जो दवा होती है सेंट्रली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से आपको एंजियोलाइटिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो एंजाइटी इफेक्ट था वो सब खत्म हो रहा है, डिप्रेशन जो भी था वो क्योर हो रहा है। इसका यूज़ कहाँ करोगे, एज अ एंटी साइकोटिक एजेंट है आपका, एंजियोलाइटिक में यूज़ करते हो, एज अ एंटी इमेटिक एक्टिविटी भी ये मेडिसिन शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो ड्रग है वो है क्लोरप्रोथिक्सिन। क्लोरप्रोथिक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक मॉइटी हमें वही थ्री मेंबर जो रिंग है, जो तीन रिंग थी फिनोथायाजीन की, वो बनाओगे आप। क्या करोगे, ऊपर सल्फर होता है, नीचे हमने कार्बन लगा दिया, देख लीजिए नीचे कार्बन लगा दिया, कार्बन से नीचे हमने क्या किया, CH2CHN से 2CH3CH3 ऐड कर दिए। इसका जो नाम होता है आपका क्या होता है, 3(2 क्लोरोथायोक्सिथीन 9YL इडीन एन डाइमिथाइल प्रोपेन 1। इसके बाद इसका जो क्या है नाम है, इसका डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन नाम हो गया। ये क्या होती है, टर्शरी अमीन अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है। टर्शरी अमीन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है, जो कि थेक्सिटीन क्लास की मेडिसिन होती है, थेक्सिटीन क्लास में पाई जाती है। ये एंटीसाइकोटिक एक्शन शो करता है, कैसे शो करेगा, कौन कौन से रिसेप्टर्स को बेसिकली ब्लॉक करता है, 5-HT2 को ब्लॉक करेगा, D1 को ब्लॉक करेगा, D2 को ब्लॉक करेगा, D3 रिसेप्टर, इन तीनों रिसेप्टर्स को जाके सीधी तरीके से ये ब्लॉक करती है। क्लोर क्या होता है, क्लोरप्रोथिक्सिन आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सबसे पहले जनरेशन में यही यूज़ की जाती है। अगर आपको साइकोसिस डिसऑर्डर है तो सबसे पहले आप यही यूज़ करोगे, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है। नॉन नार्कोटिक मेडिकेशन है, एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीफ करेगा, एंटीमिटिक है, वोमिटिंग में यूज़ की जाती है, सेडेटिव है, मतलब झपकियाँ आएंगी आपको, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी भी ये मेडिसिन शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी होती है लॉक्सापिन सक्सिनेट। लॉक्सापिन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर देख लो, तीन रिंग वाला बनाओगे, ऊपर O लगा देंगे और नीचे N लगा देंगे, और इधर साइड में CL लगा दिया, नीचे आपने क्या किया, ये पाइपरिजीन की रिंग बना ली, उससे नीचे CL ऐड किया, मतलब CL ऐड कर दिया, ये लॉक्सापिन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर बन गया। इसका जो नाम है 8-क्लोरो-6-4 मिथाइल पाइपरिजीन 1YL बेंजो 1.4 बेंजोक्साएक्जिपिन ब्यूटाडाइओनिक एसिड, इसका नाम होता है लॉक्सापिन सक्सिनेट का। ये क्या करता है आपका, कैसे काम करती है दवा, वही डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे, और आपका जो भी हेलुसिन या डिल्यूजन था वो सब रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा।
ये दवा एंटीसाइकोटिक है, सब जानते हैं। साइजोफ्रेनिया कंडीशन में यूज़ की जाती है। एंटी इमेटिक एक्शन इनका होता है, सिडेटिव है भाई, एंटी कोलिनर्जिक है, कोलिनर्जिक एक्शन देगी, एंटी कोलिनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक एक्शन भी देती है। लॉक्सापिन सक्सिनेट आपकी, लॉक्सापिन सक्सिनेट के बाद नेक्स्ट है क्लोजोपीन। क्लोजोपीन क्या है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्लोजोपीन में देख लीजिए क्या हो रहा है। इसमें आपकी भी वही सिक्स तीन रिंग्स बनेंगी, बीच वाली में NN लगा देना है, इधर साइड में CL, नीचे पाइपरेजीन रिंग बनानी है आपको, नीचे CH3 ऐड कर दोगे उसको। इनका नाम है 3-chloro-6-4-methylpyperazine-1YL-5H-benzo-1,4-benzodiazepine, ये इसका नाम है क्लोजोपीन। क्लोजोपीन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है। ये क्या करती है, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, बहुत सारे होते तो D2 वाला जो होता है उसको बेसिकली ब्लॉक करती है, साइजोफ्रेनिया कंडीशन को रिलीफ करेगी। और ये जैसे कि हेल्यूजन हो गया, डिल्यूजन, डिमेंशिया हो गया, इस कंडीशन में भी इस दवा को आप यूज़ करते हो, इन सब में भी ये दवा दी जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंटली ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आपकी है ड्रग ट्राई फ्लू प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। जैसे पहले आपने एक पढ़ाई थी ड्रग ट्राई फ्लू पेरिजीन थी, वैसे ये भी है ट्राई फ्लू प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम है, बस जो नीचे है प्रोपाइल से उसमें क्या था, पाइपरीजीन रिंग थी याद करिएगा, इसमें कि हमने बस एन जोड़ दिया। उस वाले स्ट्रक्चर में क्या था, पाइपरीजीन रिंग थी, प्रोमाजीन के स्ट्रक्चर में नीचे एन जोड़ दिया, उससे दो CH3 ऐड कर दिए, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम उतार दीजिएगा। इसका नाम होता है 10-3-dimethylamino-propyl-2-trifluoromethylphenothiazine, इसका नाम है। ये जो होती है आपकी मेडिसिन, ये भी फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एजेंट है, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती है। डोपामिन रिसेप्टर पे जाके काम करेगी, डिप्रेशन जो हेलुसिनेशन था या डिल्यूजन कंडीशन थी, भ्रम हो रहा था हमको, चिंता हो रही थी, घबराहट हो रही थी, वो डोपामिन में काम करके ब्लॉक करेगी और क्या होगा, हेल्यूजन या डिल्यूजन कंडीशन जो थी वो अब क्योर हो जाएगी। एज अ एंटीसाइकोटिक एजेंट इसको यूज़ करते हो, एज अ एंटी इमेटिक एजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपकी थियोरिडाज़ीन हाइड्रोक्लोराइड। में क्या हो रहा है, तीन रिंग वही सेम बनाओ, नीचे प्रोपाइल ग्रुप लगाओ, उसमें एक रिंग बना दीजिए बेंजीन वाली, उसमें एन लगा दो और CH3 लगा दिया, और इधर हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे एक एस लगा के और इधर CH3 लगा दिया। इसका नाम है 10-1-methylpyridine-2YL-ethyl-close-2-methyl-sulfonyl-10H-phenothiazine-hydrochloride, इसका नाम है। ये भी अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट होता है, साइकोसिस को ट्रीट करेगा, कैसे ट्रीट करेगा, डोपामिन रिसेप्टर जो होते हैं उनको जाके सीधा ब्लॉक कर देती है, जिससे कि साइकोसिस कंडीशन अब हमारी क्योर हो जाएगी। इनको हम साइजोफ्रेनिया कंडीशन में यूज़ करते हैं, एज अ एंटीसाइकोटिक यूज़ की जाती है दवाई ये। इसके बाद नेक्स्ट आपकी होती है पाइपर एसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक मॉइटी वही है, डर आपके लेफ्ट साइड पे क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 ग्रुप ऐड कर दिया हमने, नीचे आपको क्या है, प्रोपाइल चेन वही चलेगी, नीचे पाइपरिजीन रिंग ऐड कर दी हमने, फिर CH2 CH2 OH ऐड कर दिया। इसका नाम होता है 1-10-3-4-2-hydroxyethyl-piperidine-1YL-propyl-phenothiazine-2YL-ethanone, ये इसका नाम है पाइपर एसिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। ये जो मेडिसिन होती है आपकी, ये प्रो ड्रग है, नेचर वाइज प्रो ड्रग होती है, मतलब ऐसे काम नहीं करेगी, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये अपना एक्टिव प्रोडक्ट को फॉर्म करती है और जो कि एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्रो ड्रग है, खुद काम नहीं करेगी, आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव प्रोडक्ट बनाती है जो कि एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस दवा को हम साइजोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं, वही जो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है पेशेंट में उस कंडीशन में यूज़ करते हो, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम में यूज़ करोगे, डिल्यूजन मतलब चिंता तनाव, इसमें भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारी 10th प्रोक्लोपेराजीन मैलेट। का स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए, प्रोक्लोपेराजीन मैलेट का, इसके स्ट्रक्चर में देखिए वही तीन रिंग सेम है, लेफ्ट साइड पे CL लगा दिया, नीचे प्रोपाइल चेन चला दी हमने, फिर पाइपरीजीन रिंग ऐड करके उसमें नीचे CH3 ऐड कर दिया।
तो इसका नाम क्या होगा, बट टू इनोडायोइक एसिड ब्रैकेट क्लोज 2-chloro-10 ब्रैकेट स्टार्ट 3-4-methyl पाइप्रिजीन 1YL प्रोपाइल 10H फिनोथायाजीन। ये क्या इसका नाम है, प्रोक्लोपेराजीन मैलेट का स्ट्रक्चर है। ये पहली बात तो ये भाई फर्स्ट जनरेशन की ड्रग है, सबसे पहले यूज़ की जाएगी एज एंटीसाइकोटिक यूज़ की गई थी, जो बेसिकली क्या कर रही थी, D2 रिसेप्टर्स जो थे उनको जाके सीधा ब्लॉक कर रही थी। D2 रिसेप्टर डोपामिनिक D2 रिसेप्टर्स थे उन पे जाके एक्ट करेगी, साथ में हिस्टामिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, नॉन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है, मतलब ये कई रिसेप्टर्स पे काम करती है। डोपामीन का जो D2 वाला होता है उसको ब्लॉक करेगी, एंड हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करेगी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को वो ब्लॉक करती है और नॉन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। तो अगर मान लीजिए D2 को रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगी, हिस्टामिनर्जिक को ब्लॉक करती है तो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करेगी, कोलिनर्जिक वाले को ब्लॉक करेगी तो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी शो करेगी, और नॉन एड्रेनर्जिक ब्लॉक करेगी तो एड्रेनर्जिक एक्टिविटी शो करेगी। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं भाई, इस ड्रग को मेंटल कंडीशन में यूज़ करते हैं, मेंटल कंडीशन लाइक साइजोफ्रेनिया कंडीशन हो गया, या मान लीजिए और भी चीज़ों को क्योर करने के लिए लाइक नोज़िया वोमिटिंग सीवियर कंडीशन में, अगर है नोज़िया वोमिटिंग मतलब बहुत भयंकर वाले ही नोज़िया वोमिटिंग, तब आप इस दवा को यूज़ कर सकते हो, प्रोक्लोपेराजीन मैलेट को आप। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपकी थियोक्सिथीन। थियोक्सिथीन क्या है आपकी, थियोक्सिथीन का स्ट्रक्चर में देखो वो 3 रिंग्स हम कॉमन बनाएंगे, बस क्या करना बीच वाली रिंग में ऊपर एस था, नीचे हमने सी लगा दिया, कार्बन लगा दिया, ठीक। फिर देखो नीचे क्या चल रहा है, प्रोपाइल की साइड चेन है वही चलेगी, फर्स्ट वाले पे OH लगा दिया, नीचे पाइप्रिजीन रिंग होगी इससे CH3 जोड़ दिया, और ऊपर आपका राइट साइड पे हमने क्या किया, सल्फर डबल बॉन्ड ओ और इधर N जोड़ दिया, उससे CH3 जोड़ दिया। ये इसका स्ट्रक्चर है थायोक्सिथीन का स्ट्रक्चर। इसका जो IUPAC नेम होगा वो NN डाइमिथाइल 9-3-4 मिथाइल पाइप्रिजीन 1YL प्रोपाइलिडीन थायोक्सिथीन 2 सल्फोनामाइड हाइड्रोक्लोराइड इनका नाम है। अच्छा, ये जो थायोक्सिथीन होती है, थायोक्सिथीन एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि आपका एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी शो करेगी, कैसे शो करेगी, डोपामीन के जो CNS में डोपामीन रिसेप्टर्स हैं पोस्ट सिनेप्टिक वाले जो नीचे सिनेप्स वाले उनको जाके ब्लॉक करती है, और क्या करती है जाके अपनी एक्टिविटी डोपामीन को इनहिबिशन हो जाता है, मतलब डोपामीन जो बढ़ गया था अब उसकी कमी हो जाएगी और जो भी अपना एक्शन था वो शो करेगी। साथ में चलो ये तो काम हो गया कि उस पर काम करेगी, दूसरा क्या करती है, ये एड्रेनर्जिक एक्टिविटी भी शो करती है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक करती है, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके भी ये दवा ब्लॉक करती है, ठीक। फिर इनके यूजेस क्या है, साइजोफ्रेनिया कंडीशन में यूज़ करते हैं, अगर डिमेंशिया हो रही है, आदमी याददाश्त खो रही है, भूल रहा है चीज़ों को, तो उस कंडीशन में भी लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप ये दवा दे सकते हो, ज़्यादा एक्टिव हो गया, ज़्यादा एक्साइट हो गया तो उस केस में ये मेडिसिन दी जाती है। तो ये जितनी भी मेडिसिन हमने बताई ये सब फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स थी, फिनोथायाजीन कैटेगरी में इतनी ड्रग्स थी सब हमने आज आपको पढ़ाई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।